हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2022 की कुछ अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आईसीआर एग्ज़ाम्स पहली बार दिए होंगे। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरी बार एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईसीआर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब से आपका अभी तक जो है फाइनल आंसर की भी रिलीज नहीं किया गया है, उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी होगा। यदि कब जारी होगा उसका वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है अभी आईसीआर यूजी 2022 में कितना कोर्स है, ठीक है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आईसीआर में टोटल कॉलेज 55 से भी अबो है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है ये आपको अपनी रिजल्ट से पहले ही जान लेना है। क्योंकि आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम है, तो अभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आईसीआर में टोटल कोर्स कितना होता है। पीसीबी ग्रुप का स्टूडेंट, पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट एंड जो आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट है या एबीसी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, वो कौन कौन से आईसीआर का कोर्स है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोर्स बेस्ट होगा, किस में ज़्यादा स्कोप है, जॉब किस में जल्दी मिलती है और किस में ज़्यादा सैलरी होती है। ठीक है, प्लेसमेंट किसका अच्छा होता है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया या वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ पर आईसीआर के रिगार्डिंग आपको सारे अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआर यूजी जो है एग्रीकल्चर एग्जाम्स है, जिस पर डिफरेंट कोर्सेज है, उससे आप यूजी डिग्री, पीजी डिग्री एंड पीएचडी भी कर सकते हो। लेकिन इसी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज से आप एग्रीकल्चर कॉलेज या एग्रीकल्चर कोर्स करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उससे आप आगे की पीजी लेवल का प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं कर पाओगे। तो चलिए आप आगे डिस्कस करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर जो कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं इसके बारे में हम बताएंगे कि ये जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन थ्रू यूजी 2022, मतलब आईसीआर के थ्रू जिसमें एडमिशन होने वाला है। तो देखो यहाँ पे पहले नंबर पर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, उसके बाद सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इतना 11 कोर्सेस है उसमें होता है। लेकिन उस मैक्सिमम कॉलेजेस में ये 10 ही कोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम आपको 11 कोर्सेस मान लेना है कि उसमें आप जो है आईसीआर यूजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कोर्स कौन सा स्टूडेंट है वो कर सकता है, इसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको मेंशन किया है, यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन, कौन से सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए और आपने किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम्स दिया है। यदि आपने इस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया है, जैसे किसी स्टूडेंट्स ने मान लीजिए कि बायोलॉजी से जो अपना एग्ज़ाम दिया है, और किसी स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर से दिया या किसी स्टूडेंट ने मैथ से दिया, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो किसी भी एग्ज़ाम से जो है एडमिशन दे सकता है। तो यहाँ पे मान्यता जो होगी वो आपकी इस कोर्स से होगी कि इस कोर्स में आपने कौन से जो है एग्ज़ाम्स दिया, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि पीसीएम से एग्ज़ाम देने से या पीसीबी एग्ज़ाम देने से या एबीसी से एग्ज़ाम देने से, क्योंकि यहाँ पे जो फ़र्क पड़ने वाला है वो कट ऑफ का पड़ने वाला है। क्योंकि जो बंदा पीसीएम से देगा वो ज़्यादा कोर्सेस अप्लाई कर सकता है तो उसका कट ऑफ है वो कम रहेगा, और जो पीसीबी से करता है वो मॉडरेट टाइप में उसका कट ऑफ रहता है, न ज़्यादा न कम, ठीक है, तो उसको भी अच्छे खासे जो है कोर्स करने के लिए चांसेस रहते हैं। और उसके बाद हम एबीसी की बात करें तो उसमें सिर्फ 4 ही कोर्सेस है वो कर सकता है, इसलिए उसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर पीसीबी का स्टूडेंट्स भी कर सकता है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एग्ज़ाम दियो, मैथ से एग्ज़ाम दियो या एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम दियो, तो सारे स्टूडेंट हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है, जिसका जॉब प्लेसमेंट बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ये आपका कोशिश करने की आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लो। अब इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगली बात हम करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में पीसीबी के स्टूडेंट, पीसीएम के स्टूडेंट एंड एबीसी के स्टूडेंट, तो इसमें भी 4 स्टूडेंट कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री की बात करें, फिशरीज़ की बात करें सॉरी, तो फिशरीज़ में भी पीसीबी, पीसी एग्रीकल्चर और इसमें पीसीएम के स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिशरीज के जो कोर्स है उसमें आप जो है पीसीएम के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहीं हम बात करें फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री में भी मैथ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी साइंस की हम बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इसमें एक कोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं हम बात करें डाइटिस का, तो इसमें भी आपका जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेरीकल्चर की हम बात करें तो सेरीकल्चर में
पीसीबी एंड पीसीएम मतलब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ये मैथ के कोर्सेज होते हैं, तो ओनली इसमें मैथ स्टूडेंट है ये अप्लाई कर सकेंगे। डेयरी टेक्नोलॉजी की हम बात करें बीटेक की, जिनकी कट ऑफ बहुत लो रहती है, तो यदि किसी के 200 मार्क्स भी है, 150 मार्क्स भी है, तो यहाँ पे सीट मिल जाएगा। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पीसीएम के स्टूडेंट कर पाएंगे। फूड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है पीसीएम के स्टूडेंट ही कर पाएंगे, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पीसीएम पीसीबी दोनों स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीसीएम का कट ऑफ बहुत कम रहता है, 150 मार्क्स भी यदि आपके आ रहे हैं तो आपको स्कोर है, वो सीट है, वो गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, और वहीं हम बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें भी इतना ही लो स्कोर पर सीटें अलॉट हो जाती है। पीसीबी का मतलब आपको सबको पता होगा, तो यह आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस कोर्स का कितने स्कोर व कितनी रैंक पे सीट है, गवर्नमेंट सीट अलॉट होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि टोटल कितना आईसीआर का कॉलेज है, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अभी यहाँ पे मेडिकल के अलावा यहाँ पे जितना भी साइंस स्ट्रीम से एग्जाम्स लगता है, सारों का इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक चैनल पे मिलेगा, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।